हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा इश्कज़ादे के डुओ अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा के बारे में, क्योंकि ये दोनों वापस एक साथ आने वाले हैं एक ऐसी फिल्म में जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है बंटी और बबली जैसी फिल्म है, और इसका नाम है संदीप और पिंकी फरार। जी हाँ, नाम थोड़ा सी ग्रेड या बी ग्रेड फिल्म जैसा लग रहा है, बट ऐसे ही नाम रख रहे हैं आजकल बॉलीवुड फिल्मों में, समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा कोई दूसरा नाम रख लेते तो सिंपल सा नाम रख लेते। बंटी और बबली भी यशराज की फिल्म थी, वो समझ में आता था। हम देखते थे रानी मुखर्जी को और अभिषेक बच्चन को साथ में, तो समझ में भी आता था बंटी बबली। संदीप और पिंकी थोड़ा सा अजीब सा नाम लग रहा है, बट यही फिल्म का नाम है, संदीप और पिंकी फरार। देखते हैं किस तरह से फिल्म होती है। फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, सिर्फ इतना ही पता चला है कि ये दोनों एक साथ नजर आने वाले दोबारा, यानी कि अर्जुन और परिणीति। और एक और अच्छी बात यह है कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं दिबाकर बैनर्जी जी, जिन्होंने घोसला का घोसला और उसके बाद ओए लक्की लक्की ओए और ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्म बना चुके हैं। तो डायरेक्टर बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि इस फिल्म से एक हिट तो बन सकता है। यानी कि परिणीति चोपड़ा का कैरियर जो एकदम ऐसे ऐसे जा रहा है नीचे नीचे, वो थोड़ा सा उठ सकता है इस फिल्म से, ऐसा लग रहा है। क्योंकि परिणीति चोपड़ा किल दिल 2014 में आई थी, फ्लॉप गई थी। उसके बाद मेरी प्यारी बिंदु 2-3 महीने पहले रिलीज हुई थी 2017 में, वो भी पूरी तरह फ्लॉप गई थी। तो उनसे उन्हें जरूर उम्मीद होगी इस फिल्म से कुछ ज्यादा अच्छा भला हो जाए। इस फिल्म में अर्जुन कपूर है, अर्जुन कपूर भी मुबारक फिल्म का, मुबारक फिल्म से कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जब तक फिल्म रिलीज होती है हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कहना कहीं अर्जुन कपूर के लिए भी एक अच्छा मौका है अपनी थोड़ा सा साबित करने का, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एक्टिंग। ये थोड़ी सी हट के फिल्म हो सकती है, होगी सीधी सी बात है, क्योंकि दिबाकर बनर्जी हमेशा हट के ही फिल्म बनाते हैं। तो उम्मीद है बहुत ज्यादा इस फिल्म से। तो आप कितने एक्साइटेड इस फिल्म से, यानी कि संदीप और पिंकी फरार फिल्म से, और आप जरूर बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है, कुछ टाइटल कुछ अलग हो सकता है या होना चाहिए, तो आप जरूर आपका नाम सजेस्ट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले किस तरह का टाइटल होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। क्योंकि मुझे तो नाम अजीब सा लग रहा है, और हमेशा जो अजीब सा लगता है चीज़ वो आई थिंक एट द एंड अच्छा होता है, शायद ऐसा बोलते हैं। देखते हैं किस तरह से फिल्म आती है। इस तरह की वीडियोज आपको आगे भी देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जो रेड कलर का बटन उसे क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सके। साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcrazies.com पे भी विजिट करना ना भूले। बाय बाय।